आप ठीक तो है ना? एक रोल जास्त झाला। अरे अय्यर भाई यार क्या कर रहे हैं आप भाई? अब रहने दो ना, छोटी बराबर कर रहा था। अब इधर आओ आप रहने दो छोटी तो क्या कर लेगा ना। सॉरी आतिफरा, थोड़ा जोर ज्यादा लग गया। सॉरी कोमल प्रजाई, आराम से। एक 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 मिनट है, थोड़ी 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 ये पाइप प्लाइस तरफ दे ना अभी। अरे हां अरे आप रहने दो यार, आप हटो, आप रहने दो। ले आगे ले, आगे ले, आगे ले। बस ज्यादा 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 चिट्टा। बस 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 हो गया, हाथी हो गया, बस हो गया हाथी पर। ओए यार पप्पू की कर रहे हैं, तू बीच में क्यों आ रहा है? साइड से हो जाना। ओके लाल, ये तुम अभी आ जाओ इधर। तुम यार अभी हाथी बंद करो। हो गया भाई, इतना ही है, धूप नहीं है इतना। हाथी प्रा वो तुझे ठीक हो? बस थोड़ी देर और ये प्लाई पे गद्दी डालते है ना, तो हाथी भाई को थोड़ा आराम मिलेगा नहीं का? प्लीज प्लीज। हाँ हाँ अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया। अहो गादी घेऊन ना घरून। एक्स्ट्रा गादी आहे आपल्याकडे, जरा पातळ आणा। जेठा भाई पातळी आहे गादी, झाडा होगा तो उसके ऊपर। नाही नाही पातळ आहे, नाही नाही। एक जगह खड़ा रहना भाई। अरे क्या कर रहा है? मला कधी दिसणार तू मध्ये? फर्स्ट क्लास रेडी रेडी आतिपुरा। जो बोले अभी तो यार सिर्फ आधा काम हो यार। हैप्पी चेती जाक ले क्या? आओ यार कंधे से, कंधे हाथी भाई। मैं पता है दर्द हो रहा है लेकिन आराम वाला। थोड़ी देर और वो सुनो यारो, इसे लीवर कहते हैं। इसे हैंडपंप की तरह ऐसे ऊपर नीचे करने से ये हाइड्रोलिक जैक जो है वो ऊपर हो जाता है, और इससे हम पारी से पारी तो वड्डी से वड्डी गड्डियां उठा लेते। बस वैसे ही असी हाथीपुरा को और इस प्लाई को साथ में ऊपर उठाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे। हां जी हां जी, उड़ने उड़ने, एक मिनट, सब साथ में करेंगे। हैप्पी अपनी जगह दे, सुधीर जगह पकड़। मैं इधर, हाँ इधर। शाबाश शाबाश। ओ जनरल पक्का तुमको जमेगा ना? अरे हाँ भाई शांति रखो। नहीं बोलो पूछो। मेरी गिनती पे एक दो तीन शुरू हो जाओ। एक दो खींचो। हाय करो। ओ यारो ये प्लाई तो अब पलंग के लेवल पर आ गई है। अबे
यारो चलो आदिप्रा को बैठने में मदद करते मिशन सक्सेसफुल फुल थैंक यू एवरीवन। ओ वाहेगुरु जी तेरा लख लख शुक्र है। आती भाई अभी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बेड़े मास्टर। पहले जिठा भाई पहले आप बताइए आपके पैर में ठीक है ना? अरे ठीक है मेरा पैर ठीक है। बाकी सब लोग आप लोग ठीक हो ना? नहीं नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ भाई। आती भाई यही है असली डॉक्टर की पहचान। खुद दर्द में है लेकिन दूसरों के दर्द की परवाह पहले। पापा यू आर माय इंस्पिरेशन। थैंक यू बेटा। हंस तुम पक्का ठीक हो ना या किसी डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं कोमल तुम मुझे मलम से मालिश कर दोगी ना तो शाम तक ठीक हो जाऊंगा। ऑफ कोर्स। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है हथेड़ा को कुछ नहीं हुआ है। अरे तू क्या हाँ बोल रहा है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हम सब गिरे। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या? मेंटेनेंस का चेक एक दिन इधर उधर हो जाता है तो तू तो जान खा जाता है। अभी मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम चाहिए था फिर सोसाइटी मेंटेन भी टाइम टू टाइम होनी चाहिए ना? हाँ मेंटेनेंस का चेक अगर तू टाइम पे लेता है तो सोसाइटी भी टाइम टू टाइम मेंटेन होनी चाहिए ना? अरे चुप हो जाओ तुम लोग चुप हो जाओ। ये वजह बात को क्यों आगे बढ़ा रहे हो? देख बिल्ली मास्टर तूने अपनी आंखों से देखा ना कि एक के बाद एक सब लोग गिर रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना बापू जी मैंने वही बोला। शांति से बोलना। सही बात है भिड़े मास्टर। आज मेरे कई पेशेंट यहाँ काय की वजह से फिसल के गिर गए। हाँ। और मैं वही बताने तुम्हें आ रहा था और देखो मैं भी गिर गया। सॉरी सॉरी आती भाई इसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। सॉरी। तो पिड़ू तू वक्त निकाल के कंपाउंड में लगी काई निकलवा देना। कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हाँ पीड़े भाई प्लीज। अरे भाई मैं करने वाला था काम सोड़ी लेकिन बार बार बारिश आ जाती है ना। अभी कल रात को कितनी बारिश हुई। मैं एक्चुअली ना बारिश पूरी तरह से रुकने का इंतजार कर रहा था। अरे तेरे इंतजार के चक्कर में मेरी शादी कैंसिल हो जाएगी। काय संबंध का है? मान लो लड़की वाले मुझे देखने आते और मेरे घर में आते आते सोसाइटी कंपाउंड में लड़की के पिताजी यानी कि मेरे होने वाले ससुर जी ये काय की वजह से फिसल कर गिर जाते हैं तो मेरी शादी तो होने से पहले ही टूट जाएगी ना। तू चाहता ही नहीं है कि मेरी शादी हो। ये कहां की बात कहां जोड़ रहा है? अच्छा चलो पोपटलाल की बात छोड़ो। अरे क्या छोड़ो क्यों छोड़ो? ए एक मिनट पोपटलाल एक मिनट। तेरे घर पे भी छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन के लिए आते बराबर उसमें से मान ले एक दो या दो तीन बच्चे ऐसे फिसल के गिर गए उनको चोट लग गई तो उनके माँ बाप को क्या जवाब दे सकते? बराबर। और ये सुविचार भी गलत लिखा है तूने। ये जिंदगी की फिसलन हमें नहीं गिराती है। बारिश के बाद जमीन पर जमी हुई काई हमें गिराती है और वो काई तू साफ नहीं करवाता इसलिए तू हमें गिराता है। मिटा दे सुविचार और साथ में अपना इस्तीफा भी दे दे। अरे अहो इस्तीफा दे दीजिए आप। जरा कुछ हुआ नहीं कि आपसे इस्तीफा मांगते हैं ये लोग। नहीं तो मंटे आज देऊनस टाका तुम्हें। नहीं बराबर है मैं दे ही देता हूँ इस्तीफा। अगर सबको लगता है ना कि मैं ठीक से काम नहीं करता तो मैं इस्तीफा दे ही देता हूँ। अरे भिड़े मास्टर बोलो तुम दोनों में से कौन बनेगा सेक्रेटरी? जेठालाल तुम के पोपटलाल तुम? बनूंगा मैं लेकिन अभी नहीं। तो कभी? पहले सब ठीक करवा सोसाइटी सही सलामत होगी उसके बाद बनूंगा।
वरना सब लोग मुझे बोलेंगे कि सोसाइटी के सेक्रेटरी होकर ध्यान नहीं रखते। चुप, एकदम चुप। अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। कब से बोले जा रहे हो? अरे मुझे बोलने का मौका तो दो। अरे तो हमने कहा तुझे। चुप! अब खबरदार जो कोई बीच में बोला तो मैं आज ही कॉन्ट्रैक्टर से बात करूंगा और कंपाउंड में जितनी भी काई जमा हुई है उसको निकलवा दूंगा और ये काम कल से शुरू हो जाएगा, ये गारंटी मेरी। गुड। अरे तो ये पहले बोल देता ना भाई। अरे तो मुझे बोलने का मौका दिया तो बोलता ना मैं जेठालाल। अरे छोड़ना भाई, अभी उसने बोला ना वो करवा देगा तो करवा देगा। ठीक है तो मैं आत्मा राम तुकाराम भिड़े। एक मिनट आजाराम, एक मिनट। क्या हुआ यार? नहीं मैं क्या बोलता हूँ कि अभी दिवाली आ रहा है तो क्या दिवाली की बात करवाएंगे? मेरे में क्यों भड़कता है? अरे बात ही ऐसी कर रहे हो। अरे हाँ, दिवाली तक का न जाने कितने लोग गिर के गिर जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ भाई ये काम जितनी जल्दी जल्दी क्या, अगर आज के आज होता है तो आज के आज करवा लेना चाहिए। बराबर ना बाबू जी? सही बात है। जेठालाल पहले मेरा पूरा बात तो सुनो। हाँ तो पूरा बात एक साथ करो ना भाई, टुकड़ा टुकड़ा में बात क्यों कर रहे हो? पहले एक मिनट बोल के रुक गए, फिर दिवाली आ रही है बोल के रुक गए, मुद्दे की बात कब करोगे? एक घंटे के बाद। क्यों? हाँ क्योंकि अभी एक घंटे तक जेठालाल मेरे को सुनाता रहेगा। अरे वो कुछ नहीं सुनाएगा, तू बोल ना भाई। हाँ ये बोलो बोलो। अदर हम देखो दिवाली आ रहा है और हमको ये काई का काम तो करना ही है, तो मैं बोलता हूँ कि पूरे कंपाउंड को हम लोग पेंट कर देते हैं। हाँ ये सही रहेगा। बहुत सारी ठीक है, जहाँ जहाँ भी काई है वहाँ से काई निकलवा के पूरे कंपाउंड में ग्राउंड पे पेंट करवा दूंगा। ठीक है ठीक है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। एक मिनट भिड़े। अभी क्या है जेठालाल? अभी तुम एक मिनट क्यों बोला? जाओ आ जाओ जाओ। अरे तू शांति रखना भाई। नहीं मेरे कहने का मतलब है पूरे मुद्दे के बाद एक साथ क्यों नहीं बोला? हाँ तू चुप रहे तो बोलेगा। क्या हुआ जेठिया? मैं ये कह रहा था कि अभी ये सोसाइटी कंपाउंड को कलर कर ही रहे तो क्यों ना हम पूरी सोसाइटी को नहीं बना दे। क्या बोलता है जेठालाल? तू इसमें हंसने जैसा क्या है? जेठालाल सोसाइटी को ऐसा पूरा नया बनाना इतना आसान नहीं है। अरे मैं पूरी सोसाइटी को तोड़ के नया बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ यार भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये ग्राउंड को भी कलर कर रहे तो पूरी सोसाइटी को कलर करके क्यों नया जैसा ना बनाया जाए। देखो ना वैसे भी हमारी सोसाइटी का कलर कितना फेड हो गया है। करवा दे भिड़े, सोसाइटी को कलर करवा दे। ओहो पोपटलाल ये तुम बोल रहे हो? देखो अगर कलर का बजट सुनोगे ना तो सबसे पहले तुम्हारे चेहरे का कलर उड़ेगा और बोलोगे कैंसल कैंसल कैंसल। ओए खबरदार पप्पू, जो तूने इस काम के लिए कैंसल कैंसल बोला तो। नहीं 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 इस बार नहीं बोलूंगा, करवा दे भिड़ा सोसाइटी को कलर करवा दे। हाँ लेकिन ये सब ऐसे इमीडिएटली नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा। मैं काम करता हूँ, मेरे जितने भी पहचान के कॉन्ट्रैक्टर है ना उनसे बात करता हूँ, जो भी हमें सस्ते दाम में अच्छा काम करके देगा उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। बराबर है? सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। अरे सुनीता रुको रुको, हमें उसको रोकना पड़ेगा नहीं तो वो भी स्लिप हो जाएगी। हाँ, मैं उसे बोल के आती हूँ। हाँ, आराम से जाना, धीरे धीरे धीरे, एकदम आराम से बबीता जी, आराम से संभाल के मैं आऊँ। नहीं नहीं सुनीता रुको रुको, सुनीता वहीं पे रुक जाओ, अंदर मत आना। क्यों क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में जमीन पे काई जम गई है, तुम आई तो स्लिप होके गिर सकती हो। अरे बाप रे, तो ठीक है मैं बाद में आती हूँ। हाँ हाँ संभाल के। अच्छा बोल दिया, आराम से एकदम आराम से
फेर भाई देखो जरा। फेर मास्टर, जब तक काम शुरू नहीं होता तब तक हम सोसाइटी को ऐसे नहीं रख सकते ना, लोग आते जाते फिसलते रहेंगे। एक मिनट, इसके लिए एक आइडिया है मेरे पास। क्या? काय? हम ना सोसाइटी कंपाउंड में रेत डाल देते हैं ताकि कोई फिसले नहीं, और सोसाइटी कंपाउंड गेट पे एक बोर्ड लगा देते हैं कि सावधान, सोसाइटी कंपाउंड में बहुत काई जमी हुई है, संभाल के चले। हाँ ये बराबर, बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू अंकल। मेरी पहचान में एक रीति वाला है, मैं उसको बुलाऊं? नहीं नहीं अब्दुल, तुम नंबर मुझे दो, क्या पहले भाव पूछना पड़ेगा ना क्या है। अरे भाई भिड़े तो भी भाव पूछने कहाँ बैठ रहे भाई, सोसाइटी में कोई आके फिसल के गिर गया, पट्टी पट्टी टूट गई, सोसाइटी पे केस कर दिया, तो सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते तेरे ही लेने के देने पड़ जाएंगे। सही बात है। और हमारी सोसाइटी का नाम पड़ जाएगा वो अलग, लील वाली सोसाइटी। हाँ बराबर है भाई, ऐसी सोसाइटी में कौन बाप अपनी लड़की मुझे देगा। दलवा दे, दलवा दे भाई, तू रेत दलवा दे। भिड़े भाई आप चिंता मत करो, वो भाव बराबर लगाएगा। ले बस। ठीक है ठीक है, तुमसे बात कर लो और जितनी जल्दी हो सके उसको बुला लो। हाँ मैं अभी फोन करके बुलाता हूँ। अभी किसी और को कुछ बोलना है, कुछ सुझाव देना है? नहीं नहीं, ठीक है। तो मैं आत्मराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषित करता हूँ कि सब लोग अपने अपने काम पे जा सकते हैं संभल कर। जी जी जी, थैंक यू। हाँ भिड़े भाई, बात हो गई, टेम्पो में रीति लेके आ रहा है। ठीक है ठीक है, चलो फिर। हाँ एक मिनट, मिका मिनट, अभी हम लोगों को तो सबको पता है कि कंपाउंड में इतनी सारी काई जमा हुई है, तो हम लोग तो संभल कर चलेंगे, लेकिन कंपाउंड में रेत डालने से पहले अगर कोई बाहर से आया और वो गिर गया तो? हाँ हमने तो ये सोचा ही नहीं। हाँ कोई टेम्पररी उपाय तो निकालना पड़ेगा। हाँ बराबर है, यहाँ किसी को खड़े रहकर आते जाते लोगों को सतर्क करना होगा कि यहाँ काई जमी है, काई की वजह से कोई गिर सकता है। हाँ तो कोई बात नहीं पापा, मैं यहीं पे रुकता हूँ, मैं टप्पू सेना को भी बुला लेता हूँ, हम लोग ध्यान रखें। तो फिर मैं ऑफिस के लिए निकलूं? हाँ हाँ निकलो। हाँ तो ठीक है, मैं भी दुकान के लिए निकलता हूँ। मेहता साहब साथ में चलते हैं। चलो। एक मिनट मेहता साहब, आप जी हाथी भाई फ्री बैठे, तो आपको पेट दिखाना है तो दिखा दीजिए। अरे नहीं नहीं जेठे, अभी उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो गया हूँ। पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का, तुझे आराम से दुकान। ठीक है चलिए मेहता साहब। जेठालाल एक मिनट, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। और टिफिन भी। हाँ तो मैं तब तक जूता पहन के आता हूँ। आओ हाथी ब्रा, घर तक जाने में मदद कर। दोस्तों भगवान का लाख लाख शुक्र है, हाथी भाई उठ गए और उन्हें कोई चोट भी नहीं आई, और सोसाइटी में जमी काई का सलूशन भी निकल गया कि उस पे रेड डाली जाएगी। अब सबसे बड़ी बात कि गोकुलधाम सोसाइटी को कलर करवाया जाएगा, जिससे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी और भी सुंदर लगने लगेगी। दोस्तों खूबसूरत दिखना किसे पसंद नहीं है, तभी तो लेडीज और जेंट्स ब्यूटी पार्लर सैलून जाते हैं, जहां पर स्टाइलिस्ट आपको और भी सुंदर और खूबसूरत बनाते हैं। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए हमें कलर कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है, लेकिन त्योहार के समय कलर कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना मतलब घास में सुई ढूंढना जितना मुश्किल है। तो क्या लगता है आपको, क्या भिड़े को कलर कॉन्ट्रैक्टर मिल पाएगा, और अगर मिलेगा तो काम हो पाएगा? क्या इस बार गोकुलधाम वासी अपनी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.